हाय दोस्तों, मैं जीबन ज्योति पानीग्रही आप लोगों को आपके YouTube चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो के जरिया में मैं आप लोगों के पास कल आप कौन सा स्टॉक खरीदेंगे या भेजेंगे, ऐसे आपको पांच स्टॉक का नाम बताने वाला हूँ। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको बाइंग करना है या सेलिंग करना है, उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वो जानने से पहले हम फर्स्ट ये देख लेते हैं कि आज के लिए मैंने जो स्टॉक और निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताया था, उसका रिजल्ट कैसा रहा। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये वीडियो को ओपन कर रहा हूँ, तो हम देखते हैं आज का रिजल्ट कैसा रहा। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो पहला स्क्रिप्ट आज के लिए बोला था वो था बीपीसीएल, और मैंने बीपीसीएल को बाय करने के लिए बोला था 379 पे। उसका स्टॉप लॉस था 373, और जो पहला टारगेट था वो था 389, और जो सेकेंड टारगेट था वो था 393। तो चलिए दोस्तों, हम बीपीसीएल को चार्ट पे देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म किया। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे बीपीसीएल का 5 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने बोला था 379 पे एंट्री करने के लिए, तो 379 जो आ रहा है इसी लेवल के आसपास आ रहा है। देखिए दोस्तों, इसी लेवल के आसपास 379 आ रहा है, तो आपको इसी लेवल पे एंट्री करना है। तो देखिए, ये जो पहला 5 मिनट का कैंडल है, जो पहला 5 मिनट का कैंडल आता है ये रेंज पे, ये रेंज के ऊपर ये देखिए ट्रेड करने लगा, तो आपको इसी मोमेंट पे आपको बाइंग करना है, ठीक है। और ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा था, तो जो टारगेट था पहला टारगेट 389, और जो दूसरा टारगेट था 393। तो देखिए दोस्तों, आपको हमेशा ऐसे करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे आपका थोड़ा प्रॉफिट चल रहा है, ये देखिए कितना तक हाई गया था, ये 383 तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फास्ट टारगेट अभी तक आया नहीं है, तो यहाँ पे इसी लेवल पे ये धीरे धीरे नीचे आने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे बाइंग आता है और ये देखिए ये स्टॉक धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो आपको इसी लेवल पे छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए, क्योंकि आप जिसी लेवल पे बाइंग किए हो अगर उसी लेवल से ऊपर की तरफ जाता है, तो आप देखिए आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहा होगा, स्टॉप लॉस रहा है 373 पे। तो अगर आप स्टॉप लॉस इसी लेवल पे 373 का लेवल पे रखे हो, तो धीरे धीरे आपका स्टॉप लॉस ऐसे बढ़ा के ऊपर कर दोगे, ठीक है। तो सोच लीजिए आप इसी लेवल के आसपास निकल गए, क्योंकि ये फिर से नीचे की तरफ आ रहा था। तो दोस्तों, ये बीपीसीएल पे आपको छोटा सा मुनाफा होगा। तो चलिए दोस्तों, सेकेंड स्क्रिप्ट क्या था देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो सेकेंड स्क्रिप्ट था, मैंने अदानी पोर्ट को सेल के लिए बोला था 360 पे, और जो स्टॉप लॉस था 370, जो पहला टारगेट था 350, और जो दूसरा टारगेट था 340। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अदानी पोर्ट ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने 360 पे उसको सेल के लिए बोला था, इसी लेवल के आसपास, ठीक है। तो देखिए, ये पहला 5 मिनट का कैंडल के नीचे है, तो आपका एंट्री इसी लेवल के आसपास आएगा। और जो दूसरा टारगेट था 340, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये दूसरा टारगेट अचीव हो गया है, ये देखिए इसी लेवल पे इसका जो दूसरा टारगेट था वो अचीव हो गया। तो दोस्तों, अदानी पोर्ट पे हमारा सेकेंड टारगेट अचीव हो गया। तो चलिए अभी तीसरा स्क्रिप्ट ओपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, तीसरा स्क्रिप्ट पे मैंने एक्सिस बैंक को सेल के लिए बोला था 595 पे, और जो स्टॉप लॉस था 613, और जो पहला टारगेट था 570, और जो दूसरा टारगेट था 560। तो 595 पे मैंने एक्सिस बैंक को सेल के लिए बोला था। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये जो पहला 5 मिनट का कैंडल है, ये देखिए दोस्तों पूरा दिन भर इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों, ये पहला 5 मिनट का कैंडल के नीचे नहीं आया, तो हमारा यहाँ पे एंट्री ही नहीं आया है, ठीक है। तो दोस्तों, ये एक्सिस बैंक के हमको एंट्री नहीं मिला। और जो चौथा स्क्रिप्ट था वो था, मैंने हीरो मोटोकॉर्प को बाइंग के लिए बोला था 3190 पे, और जो स्टॉप लॉस था 3145, जो पहला टारगेट था 3250, और जो दूसरा टारगेट था 3280। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प को ओपन करते हैं।
देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बाइंग के लिए बोला था, लेकिन ये जो पहला 5 मिनट का जो रेंज है, ये देखिए शुरू से इसी रेंज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपके ये रूल के खिलाफ है। तो दोस्तों रूल के खिलाफ अगर जाता है तो आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमको एंट्री नहीं मिला। अभी हम अगर फिफ्थ स्क्रिप्ट को देखेंगे तो देखिए, मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को सेल के लिए बोला था 1615 पे, और 1630 हमारा स्टॉप लॉस था, 1595 हमारा पहला टारगेट और 1585 हमारा दूसरा टारगेट। तो मैंने यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर ओपन कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बताया था कि 1615 पे आपको सेल करना है। तो 1615 का जो लेवल है, ये देखिए इसी लेवल के आसपास आ रहा है, और ये देखिए पहला 5 मिनट का कैंडल के नीचे भी है। ये देखिए ये जो रहा, ये पहला 5 मिनट का रेंज का जो कैंडल है और इसके नीचे है, तो आप यहाँ पे सेल करेंगे। और जो दूसरा टारगेट था 1585, तो दोस्तों देखिए ये 1585 इसी लेवल पे आ गया। तो दोस्तों ये हिंदुस्तान यूनिलीवर पे हमारा जो सेकंड टारगेट था वो अचीव हो गया। तो दोस्तों ये था आज का स्क्रिप्ट। ये आज का स्क्रिप्ट पे, दो स्क्रिप्ट पे हमको एंट्री नहीं मिला, और दो स्क्रिप्ट पे हमारा टारगेट अचीव हो गया, और एक स्क्रिप्ट पे छोटा सा प्रॉफिट हुआ। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म किए। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 11130 पे निफ्टी को सेल के लिए बोला था। ये निफ्टी फ्यूचर है, तो मैंने यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर ओपन कर रहा हूँ। तो दोस्तों 11130 पे मैंने सेल के लिए बोला था, वो आ रहा है इसी लेवल के आसपास। इसी लेवल पे मैंने सेलिंग के लिए बोला था, और जो टारगेट था 11060। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं। 11060 के आसपास हमारा जो सेकंड टारगेट था, ये देखिए दोस्तों, ये 11060 के आसपास जो सेकंड टारगेट था, ये यहाँ पे अचीव हो गया है। तो दोस्तों निफ्टी पे हमारा सेकंड टारगेट अचीव हो गया। अभी चलिए दोस्तों, हम बैंक निफ्टी पे भी देखते हैं कि बैंक निफ्टी पे ट्रेड कैसा रहा। तो देखिए दोस्तों, मैंने बैंक निफ्टी पे 25,550 पे सेल के लिए बोला था। तो यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी ओपन करेंगे, तो दोस्तों मैंने 25,550 पे बोला था सेल के लिए, तो 550 आ रहा है इसी रेंज के आसपास, ठीक है। और जो सेकंड टारगेट था 25,350, तो देखिए दोस्तों 25,350 जो है, ये देखिए ये वाला लेवल। तो यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी का जो टारगेट था वो भी अचीव हो गया। तो दोस्तों उसके नीचे बहुत गया है, लेकिन हमारा जो सेकंड टारगेट था यहाँ पे अचीव हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो 5 स्क्रिप्ट दिया था, दोनों में टारगेट अचीव हुआ, एक में छोटा सा मुनाफा हुआ, और दो में हमारा एंट्री नहीं आया। लेकिन जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो टारगेट दिया, वो दोनों का सेकेंड टारगेट अचीव हो गया। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस का रिजल्ट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम कल क्या-क्या स्टॉक खरीदेंगे, मैं आपको 5 स्टॉक का नाम बताऊंगा, आपको कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, और उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, और निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपको कहाँ पे एंट्री और एग्जिट लेना है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हमारा जो पहला स्क्रिप्ट है वो है बजाज ऑटो, ठीक है। तो बजाज ऑटो को आपको इक्विटी पे सेल करना है 2750 पे, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2780, ठीक है। और जो पहला टारगेट है 2710, और जो सेकंड टारगेट रहेगा 2690। दोस्तों अगर बजाज ऑटो का फ्यूचर पे सेल करना चाहते हैं तो 2754 पे आपको सेल करना है, 2784 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और जो पहला टारगेट रहेगा 2714, और जो दूसरा टारगेट रहेगा 2694। दोस्तों अगर आप सेकेंड स्क्रिप्ट को देखेंगे, देखिए यहाँ पे सेकेंड स्क्रिप्ट पे मैंने अदानी पोर्ट को सेल के लिए बोला है, और अदानी पोर्ट 344 पे आपको सेल करना है, ये कैश और इक्विटी मार्केट पे, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 350, और जो पहला टारगेट रहेगा 336, और जो दूसरा टारगेट रहेगा 332।
दोस्तों अगर आप फ्यूचर पे अदानी पोर्ट को सेल करना चाहते हैं तो 345 पे आप सेल कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 351 और जो पहला टारगेट रहेगा 337 और जो सेकेंड टारगेट रहेगा 333। तो चलिए दोस्तों अभी थार स्क्रिप्ट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों थार स्क्रिप्ट में मैंने भारतीय एयरटेल को सेल के लिए बोला है। इक्विटी और कैश मार्केट पे आपको 354 पे यहाँ पे सेल करेंगे और जो स्टॉप लॉस रहेगा 360 का और जो पहला टारगेट रहेगा 346 और जो दूसरा टारगेट रहेगा 342 का। दोस्तों अगर आप फ्यूचर मार्केट पे भारतीय एयरटेल को सेल करना चाहते हैं तो आप 353 पे सेल कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस रहेगा 359, जो पहला टारगेट है वो 345 पे आपको रखना है और जो सेकेंड टारगेट आप करेंगे वो 341 का। तो चलिए दोस्तों अभी हम फोर्थ स्क्रिप्ट के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों फोर्थ स्क्रिप्ट में मैंने HDFC को सेल के लिए बोला है कैश और इक्विटी मार्केट पे 1715 पे और जो स्टॉप लॉस रहेगा 1745, जो पहला टारगेट है 1675 और जो दूसरा टारगेट रहेगा 1655। दोस्तों अगर आप HDFC को फ्यूचर मार्केट पे सेल करना चाहते हैं तो आप 1723 पे उसको सेल कर सकते हैं। 1753 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और जो पहला टारगेट रहेगा 1683 और जो दूसरा टारगेट रहेगा 1663। चलिए दोस्तों हम अभी फिफ्थ स्क्रिप्ट को जान लेते हैं। तो दोस्तों ये फिफ्थ स्क्रिप्ट पे आपको इंडसइंड बैंक को सेल करना है। इक्विटी और कैश मार्केट पे आपको 1658 पे आप सेल करेंगे, जो स्टॉप लॉस रहेगा 1678, पहला जो टारगेट है वो 1630 रहेगा और जो दूसरा टारगेट रहेगा 1620। दोस्तों अगर आपको फ्यूचर मार्केट पे इसको सेल करना है तो 1665 पे आपको सेल करना है और स्टॉप लॉस रहेगा 1685, जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 1638 का और जो दूसरा टारगेट रहेगा 1628। तो दोस्तों ये था हमारा जो पांच स्क्रिप्ट और ये पांचों के पांचों स्क्रिप्ट हमको कल सेलिंग के लिए मैंने बोला है। तो चलिए दोस्तों हम अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको निफ्टी को भी शॉर्ट करना है, 11010 पे आप इसको सेल करेंगे। दोस्तों यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर, ठीक है, निफ्टी स्पॉट नहीं। तो निफ्टी फ्यूचर को आपको 11010 पे आपको सेल करना है और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 11045 रहेगा और जो पहला टारगेट आएगा वो 10960 और जो सेकंड टारगेट आता है वो 10940। तो चलिए दोस्तों मैं अभी आपको बैंक निफ्टी का कहाँ पे सेल करना है वो दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी 24950 पे सेल करना है और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 25020, जो पहला टारगेट रहेगा वो 24850 और जो सेकेंड टारगेट है वो 24750। तो दोस्तों ये था पांच स्क्रिप्ट और निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे वीडियो के जरिए में कोई मदद मिल रहा है तो मेरा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका साइड पे एक बेल सिंबल है, वो बेल सिंबल को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैंने जब नया वीडियो लेके आऊंगा मेरा वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, ये था पांच स्क्रिप्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। थैंक यू।